के साथ भी कैसे नहीं आएगा सर सर चढ़ जाएगी सब रुचि आज 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 तो दिखूंगा नहीं चलेगा सर आप काफी एक्साइटेड हो घर आप इसी को मिलकर क्या कुछ कहना चाहोगे घर वापसी बहुत ही स्पेशल शो है बहुत ही वार्म शो है और इसमें कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हर किसी के घर में शायद सब तो नहीं बट कहीं ना कहीं एक जन दो जन तो रहेगा ही जब ये शो लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ क्योंकि लाइफ ऐसी होती नहीं है लाइफ इंस्टेंसेस से बनी होती है छोटे छोटे मेमोरीज से बनी होती है और वो सारे मेमोरीज कहीं ना कहीं किसी ने जिए होते हैं हर एक जन जीता ही है तो ये शो से लोग डेफिनेटली लेकर जाएंगे बहुत ही कम्फर्ट है बहुत सिक्योरिटी मिलेगी वॉर्म्थ मिलेगी एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं शो से आई थिंक जब मैं हम लोग शूट भी कर रहे थे और जैसे जैसे सीन शूट कर रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच पिक्ड अप ऑन द ट्रेलर कि बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है एवरीबडी स्टार्टेड कॉमेंटिंग देयर एक्सपीरियंसेस इमीडिएटली ऑन यूट्यूब कॉमेंट्स विच वी वर रीडिंग जस्ट लास्ट नाइट और सबके इतने रिलेटेबल सबके इतने सिमिलर स्टोरीज हैं कहीं ना कहीं बट लोगों कितने अलग अलग फीलिंग्स हैं मैं एक चीज़ को लेकर कुछ और फील करता हूँ इंटेंसिटी वाइज और कोई और चीज़ सेम चीज़ किसी और के साथ हुई होगी तो वो फीलिंग की इंटेंसिटी बहुत अलग होती है सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि सब लोग कनेक्ट करते हैं बट सबकी फीलिंग अलग है रिस्पॉन्स का अभी तो मुझे पता नहीं अभी तो मैं देखूँगा हमें तो शूट करके बहुत मज़ा आया था एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब हम शूट कर रहे थे फैमिली सीन्स फ्रेंड्स के साथ ऑफिस के इतने सारे अलग अलग वेन्यूज थे तो जो फीलिंग सीन शूट करते समय आ रही थी वही फीलिंग ट्रेलर देखते समय आई वही फीलिंग डब करते समय आई सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो ट्रांसेंड हुआ स्क्रीन पे सर आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी सिर्फ ये है मेरे पास और मैं सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ एक बार ये क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है ये अभी तक शो मैंने देखा नहीं है ऑफकोर्स डबिंग की है हमने बट इन इट्स इंटायरिटी वी हैवेंट सीन इट और मैं बस इसके लिए वेट कर रहा हूँ अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बाकी हो रहा है वो होता रहेगा अभी आई एम हियर थैंक यू सो मच